एफआई की ओर से संघ मुख्यालय पर होने वाला था पीएफआई पर हुए कार्रवाई के बाद जानकारी सामने आई है पीएफआई के लोगों ने संघ मुख्यालय की रैकी भी की थी। इस जानकारी पर शहर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि संघ मुख्यालय की सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है, मगर इस बात की कोई जानकारी हमारे पास नहीं आई थी। शहर के सभी महत्वपूर्ण जगहों पर सुरक्षा रखी गई है, अगर कोई घटना होती है तो नागपुर पुलिस तैयार होने की बात उन्होंने कही। आरएसएस मुख्यालय की सुरक्षा हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी का विषय है और सभी को इसमें बोलने में कोई संदेह नहीं है कि एक ये बहुत महत्व का वाइटल इंस्टॉलेशन है और पहले भी शहर में या दूसरे जगह पे कुछ प्रकार के अटेम्प्ट्स हुए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत कड़क व्यवस्था की गई है और हम पीरियोडिकली उसकी सिक्योरिटी ऑडिट करते रहते हैं। किसी भी प्रकार की अपवादात्मक घटना नहीं होगी, इसके लिए पुलिस दल पूरी तरीके से तैयार है और कोई घटना अगर होती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे जो पथक हैं और जो इस प्रकार के जो स्टेट लेवल पे जो टीम्स हैं पूरी तरीके से तैयार है। डेफिनेटली मैं बताऊंगा, जैसा मैंने बताया कि ये ऑलरेडी टॉप प्रायोरिटी का विषय है और हम हमेशा ऑडिट करते रहते हैं। अभी जो कुछ डेवलपमेंट्स अलग अलग राज्य या देश में हमारे देश में जो हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए और नवरात्रि उत्सव के दरमियान शहर में बहुत बड़े पैमाने पे लोगों का भाविकों का आना आते हैं, उसको ध्यान में रख के आवश्यक बीफअप की गई है सिक्योरिटी।